गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ में हमारा SST के अंदर पॉलिटिकल सामाजिक विज्ञान की हमारी जो दूसरी किताब थी राजनीतिक जीवन, उसके अंदर हम आज अपना तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, हमने हमारे दो चैप्टर जो पहले हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा, बताया कि संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में हमने जानकारियाँ हासिल की, और दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। आप सभी जानते हैं एक देश के अंदर अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो कोई भी देश किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक उसकी धार्मिक स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। बताया है कि किस प्रकार से हमारे मौलिक अधिकार हमारी धर्मनिरपेक्षता की मदद करते हैं, धर्म को कोई भी धर्म को हम अपना सकते हैं, स्वतंत्रता से उसका प्रचार कर सकते हैं आदि। अब हम अपना सेकंड जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमें संसद क्यों चाहिए। आइए बच्चों, हम इसी को थोड़ा सा स्पष्ट रूप से पढ़ने का प्रयास करते हैं कि हमें संसद क्यों चाहिए, संसद क्या है। आइए इसको इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। भारतीयों को इस बात पर हमेशा गर्व रहता है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, हम इसी को इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। हम निर्णय प्रक्रिया में किस प्रकार से सहभागिता निभाते हैं, लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों की सहमति का क्या महत्व होता है, इसी चीज़ को हम इस अध्याय के माध्यम से पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि लोगों की सहभागिता निर्णय के अंदर किसी भी संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण तत्व होता है। इस बात की सबसे अच्छी व्यक्ति हमें संसद के रूप में मिलती है। हम इस बात के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह हमारे देश में संसद हमारे देश के नागरिकों को जितने भी बड़े छोटे फैसले जो कि लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, उसमें किस प्रकार से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, और किस प्रकार सरकार द्वारा किए गए कार्य जो उनके हित में ना हो उस पर अंकुश लगाने में मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान क्या है, केंद्रीय तत्व है। यहाँ पर प्रश्न बनता है बच्चों कि भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है, तो आप उत्तर देंगे कि भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है संसद, भारतीय संसद। और इसी प्रकार पूछा जाए प्रश्न कि संविधान का केंद्रीय तत्व क्या है, तो भी आप उत्तर देंगे सांसद। हमारा यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए आप कि संसद दिखाई गई है, जो कि बहुत ही एक कहते हैं स्मारक, बहुत ही एक दर्शनीय चीज़ है, और ये हमारे नई दिल्ली में स्थित है। अब हम एक नई संसद का निर्माण भी करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आगे कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों की 200 वर्ष की गुलामी से। इस आज़ादी के लिए हमारे पूरे देश की जनता ने एक बहुत लंबा, एक बहुत मुश्किल संघर्ष किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। इस संघर्ष में बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग जाति से अलग अलग तबके ने हिस्सेदारियाँ निभाई, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। अपने औपनिवेशिक काल के बारे में पढ़ा कि किस तरह से लोग अपना शासन किया करते थे, ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे हमारे देश के लोग, सारे फैसले जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लिए जाते थे उनसे हम असहमत थे, लेकिन फिर भी उनके फैसलों की आलोचना हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें उनके अत्याचारों का क्या करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन जैसे ही भारत में शुरू हुआ, लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में जब कूद के पड़े, तब हमारे देश में स्थिति बदलने लगी। राष्ट्रवादी खुलेआम संग्राम ब्रिटिश सरकार थी अंग्रेज़ों की क्या करने लगे, आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। सन 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उन्होंने मांग की कि जो विधायिका होती है उसके निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिलना चाहिए।
इसको देखते हुए 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट में कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दी गई। हालांकि ये मंजूरी थी उसमें ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई, ये शुरुआती विधेयिका राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इसमें सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था और न ही आम लोगों को निर्णय लेने के अंदर हिस्सेदारी दी गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा है कि उपनिवेश शासन में अनुभव और स्वतंत्रता संग्राम में तरह तरह के लोगों ने हिस्सेदारियों के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। यानी स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने बोला था कि हम स्वतंत्र होंगे तो हम अपने फैसले भी ले सकेंगे। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब कदापि ये नहीं था कि सरकार चाहे जो कर लेगी। इसका मतलब था कि सरकार को लोगों की जरूरतों, उनकी मांगों को सोचना होगा, समझना होगा, उनके प्रति वफादार होना होगा और स्वतंत्रता संघर्ष और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान को ठोस रूप से ग्रहण किया। इस संविधान में क्या बताया गया कि सार्वभौमिक रूप से जितने भी हमारे वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया, यानी वयस्क मताधिकार क्या मतलब क्या है कि देश के सभी 18 वर्ष से ऊपर की आयु के स्त्री पुरुष जो भी हैं उन सबको वोट डालने का क्या मिलेगा अधिकार। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या मतलब है। देश के सभी वयस्कों को, नागरिकों को जो कि 18 वर्ष की उम्र से बड़े हैं, उन्हें हमारे निर्वाचन प्रक्रिया के अंदर वोट डालने का अधिकार होगा, अर्थात अपने लिए अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। ठीक है, तो मताधिकार का प्रयोग होने से क्या होता है, देखिए कि आप हर निर्णय में शरीक होते हैं, हर फैसले चाहे वो छोटे हों बड़े हों, आप या आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अगर उसका निर्णय करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से आप भी उस फैसले में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र के अंतर्गत एक मतदाता को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीन के इस्तेमाल की विधि पढ़ते हुए दिखाया जा रहा है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 2004 में पहली बार आम चुनावों में इस मशीन का प्रयोग किया गया था। इस मशीन के इस्तेमाल करने से क्या हुआ कि हमारे जो चुनाव मतपत्र छपाए जाते थे करोड़ों की संख्या में, वो और उन वो जो कागज़ से बनाए जाते थे उसके अगेंस्ट में हमें लगभग 1.5 लाख पेड़ काटने पड़ते थे जितने कागज़ से वो बनाए जाते थे। यानी 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई जिससे करीब 8,000 टन कागज़ बनाना पड़ता जो चुनाव मतदान पत्र होते। तो सबसे पहले अगर प्रश्न बने कि पहली बार ईवीएम मशीन का इस्तेमाल कब किया गया, तो आप बोलेंगे 2004 के आम चुनावों के अंतर्गत ईवीएम मशीन का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी ईवीएम मशीन है, मतदान सामग्री होती है, इनको हमारे जो कर्मचारी होते हैं, चुनाव कर्मचारी, दुर्गम से दुर्गम स्थान पर लेकर पहुँचते हैं और हमें निर्वाचन प्रक्रिया, हमारी निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। आपके यहाँ पुस्तक में एक चित्र दिया गया है कि हाथी पर बैठकर किस प्रकार ईवीएम मशीन को लेकर दुर्लभ स्थानों पर पहुँचने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि क्लास का मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा कराया जाता है, तो अगर विद्यार्थी अपनी राय से अपने में से किसी एक प्रतिनिधि को क्लास का मॉनिटर चुनेंगे तो क्या होगा कि एक तो आप किसी को भी बना दें और एक आप सब मिलकर वोट देकर चुने कि ये मेरा मॉनिटर होगा, तो आप उस निर्णय में क्या होंगे, सहभागिता निभाएंगे। वह मॉनिटर आपकी पसंद का होगा, आप ज़्यादा लोगों की पसंद का होगा तो वो आपके हित में सोचेगा। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी यही है। यहाँ पर भी लोग क्या करते हैं, अपने लिए चुनाव के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो कि क्या करते हैं, लोगों की जरूरत और मांगों को समझते हैं और उनको उनके सपनों को साकार करने में मदद करते हैं।